सो मान लो हम एक कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं, सो इसका स्ट्रेंथ हमें देखना है कि इस मिक्स से जो कंक्रीट बनेगा इसका स्ट्रेंथ कितना हुआ। तो हम क्या करते हैं, कंक्रीट क्यूब्स बनाते हैं और उसको इसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ था वो चेक करते चलते हैं। तो मान लो हमने एन नंबर ऑफ क्यूब्स बनाए, तो ऐसे तो नहीं होगा कि सारे क्यूब्स का स्ट्रेंथ सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक क्यूब टेस्ट करते चलेंगे और इनका जो स्ट्रेंथ वैल्यू जो आ रहा है उसे नोट करते चलेंगे। तो ऐसे सारे जो एन नंबर ऑफ क्यूब्स हमने बनाए थे इनका स्ट्रेंथ वैल्यू हम निकाल लिए। तो अभी मान लो मैं एक प्लॉट करूँगा जहाँ पे मैं ये बताऊँगा कि ये जो क्यूब्स हैं उनमें मैं एक स्ट्रेंथ वैल्यू बताऊँगा। मान लो ये कुछ एफ वैल्यू हो गया स्ट्रेंथ का, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स हैं जिनका स्ट्रेंथ वैल्यू ये है। तो ऐसे मान लो मैं कुछ पॉइंट बोलता हूँ, जैसे मान लो मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ कितने में नंबर ऑफ क्यूब्स का आया होगा। ऐसे तो नहीं कि सारे के सारे बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ दिए होंगे, तो कुछ ही वैल्यू दिए होंगे बहुत हाई स्ट्रेंथ। ऐसे होगा कि कुछ जो को क्यूब्स होंगे वो दिए होंगे बहुत कम स्ट्रेंथ। सही है कि नहीं, मतलब कुछ जो ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो क्यूब है वो कम स्ट्रेंथ देंगे, बहुत कम ही होंगे जो जो मतलब स्ट्रेंथ वैल्यू जिनका बहुत कम होगा। और जो बहुत सारे होंगे मेजोरिटी उनका जो स्ट्रेंथ वो बीच में कहीं होगा ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे प्लॉट करूँ, ये बेसिकली एक इस टाइप का प्लॉट बनता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे उनका स्ट्रेंथ जो होता है वो हमारा क्या हो जाता है, मीन स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द क्यूब्स। और बाकी अगर हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वाले क्यूब बहुत कम नंबर में मिलेंगे, सिमिलरली बहुत कम स्ट्रेंथ वाले क्यूब आपको बहुत कम नंबर पे मिलेंगे। तो जब देखा गया ये जो कर्व है, एक हम अज्यूम करके चलते हैं कि ये कर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो जब इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं, ये बहुत सारे चीज़ें हमारे लिए आसान कर देता है निकालना। जैसे मान लो एक स्ट्रेंथ वैल्यू में बोलूँगा, जिस वैल्यू से ज़्यादा स्ट्रेंथ 95% ऑफ आवर सैंपल्स का है, माने जितने सैंपल हम टेस्ट किए क्यूब सैंपल्स उनमें से 95% ऑफ द सैंपल का वैल्यू उससे ज़्यादा है और सिर्फ 5% होंगे जिनका स्ट्रेंथ उससे कम होंगे। तो ये एक फेमस वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द मिक्स। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स होते हैं उनका जो प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम देखें, तो ये जो वैल्यू है ये बेसिकली मीन से 1.65 × स्टैंडर्ड डेविएशन पीछे होता है। इसी लॉजिक से और एक प्रॉपर्टी है, मतलब ऐसे यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है इसका सारा प्रॉपर्टी आप यूज़ कर सकते हो। जिसका और एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मैं बोलूँगा कि 99% ऑफ क्यूब्स का स्ट्रेंथ कौन सी वैल्यू से ज़्यादा है, तब ये मुझे मिलता है आज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, 3 × स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन स्ट्रेंथ। सो यहाँ से हमको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट चीज़ें नोट करनी है उनमें से एक तो ये है कि जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो ये वाली एफ सी के, तो एफ सी के हमें क्या निकल के आया कि जो मीन स्ट्रेंथ है उससे अगर हम 1.65 × स्टैंडर्ड डिविएशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और जो सेकेंड चीज़ ये है कि अगर मैं एक स्ट्रेंथ वैल्यू बोलूँगा जिसका वैल्यू मीन से 3 times स्टैंडर्ड डिविएशन कम है, उसके ऊपर 99% ऑफ द सैंपल रहेंगे। तो बेसिकली ये तो एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला हो जाता है जो हम एक प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट के हिसाब से लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। और ये वाली जो 99% मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे और भी पॉइंट्स हैं लेकिन यही दो याद किया जाए तो इनफ है मेरे हिसाब से।